ये देखिए गिरफ्तार आतंकियों की असम कोर्ट में पेशी। बरपेटा पुलिस ने गिरफ्तार आतंकियों को पेश किया। कोर्ट ने सभी संदिग्ध आतंकियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने इन सभी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इनको कोर्ट में पेश किया गया और जहां से इनको पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हमारे साथ आज के खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं और साथ ही हमारे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी। जितेंद्र शर्मा के पास मैं चलूंगा। इसके अलावा प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता हमारे साथ आज की चर्चा में मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शारदा प्रसाद साहब जो कि DGP रहे हैं असम के। इसके अलावा डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुफ्ती नदीमुद्दीन भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। इन सभी से बातचीत होगी और समझेंगे हम कि ये समस्या क्या है और इसका समाधान। लेकिन पहले जितेंद्र शर्मा से अपडेट लेते हैं। जितेंद्र, इस वक्त क्या ताजा इस खबर के मुताबिक? जी बिल्कुल, देखिए 11 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, सभी अलकायदा से जुड़े हुए हैं और बताया जा रहा है इनको जो लीड कर रहा था वो मुस्तफ़ा है, जो कि बाकायदा एक मदरसा चला रहा था। मदरसे में बाकायदा वहाँ पर आतंकी पढ़ाई कराई जा रही थी। इसके अलावा एक बांग्ला भाषा में वहाँ से दिनेश एक मैगजीन भी निकाली जा रही थी, जिसके जरिए नौजवानों को ब्रेन वॉश करने का काम पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। हालांकि एक बड़ा मॉड्यूल है, एक बड़ी कामयाबी असम पुलिस इसको मान रही है, लेकिन इनके तार बताए जा रहे कि अल जवारी जो है उससे जुड़े हुए थे अलकायदा के और सीधे उन्हीं के संपर्क में था मुस्तफ़ा। और उन्हीं के इशारों पर सीधे तौर पर अगर कहें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अलकायदा के लिए ज़मीन थी वो यहाँ पर तैयार की जा रही थी, स्लीपर सेल की तरह यहाँ पर काम कर रहा था। हालांकि कोई बड़ा टास्क इसको दिया गया था अभी तक या नहीं दिया गया था, इसके बारे में अब इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी असम पुलिस। साथ ही इनके जो मोबाइल हैं उनसे कई अहम वीडियोस उनको मिले हैं पुलिस को। इसके अलावा कई लिटरेचर इनसे बरामद हुआ है, साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस हैं वो इनके घरों से भी बरामद हुए हैं। तो एक बड़ा मॉड्यूल, एक बड़ी कामयाबी इसको असम पुलिस अब तक अपने लिए मानकर चल रही है। ये नेशनली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बताया जा रहा है, तो इसमें सिर्फ असम रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही मिली है या देश के दूसरे हिस्सों में भी कुछ इनपुट्स मिले हैं और वहां पर भी कुछ आने वाले दिनों में संभव है कि हम होता हुआ देखें? जी बिल्कुल, देखिए साउथ इंडिया में खास तौर से केरला में इनके तार जुड़े हुए मिले पाए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इनके तार जुड़े हुए पाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान से इनके तार जुड़े हुए पाए गए। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरा मॉड्यूल है, ना सिर्फ असम में बल्कि कई अन्य इलाकों में, कई अन्य शहरों में भी फैला हुआ था। लेकिन किन लोगों के संपर्क में वहाँ पर थे वो इनसे पूछताछ के बाद पता चलेगा। तो ये जो गिरफ्तारियाँ हैं इनका सिलसिला 11 तक नहीं थमने वाला है, बल्कि अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी उसके बाद जाहिर सी बात है इस पूरे मॉड्यूल के कुछ और लोग जो अब तक पर सेल की तरह अन्य राज्यों में छिपे हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी अब संभव है। जी बहुत धन्यवाद ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।